आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स में जो सारा ऑप्शंस है उसके बारे में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड ढेरों सारे टिप्स और ट्रिक सीखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल में यहाँ आके रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, चाहे कोई सा भी चैनल हो। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट को लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज में पहला ऑप्शन मिलेगा आपको कैलकुलेटर का, क्लिक किए और बाकी आप यहाँ से कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज स्निपिंग टूल। ये नोटपैड वगैरह जो है, पेंट वगैरह, ये सब छोटा सा चीज़ है। नोटपैड सब आगे आपको हम HTML के क्लास में बताएंगे। और अगर आपको पेंट या वर्डपैड भी सीखना है, ये तो बहुत आसान है, अगर फिर भी आपको सीखना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल के थ्रू, जैसे आप देखे होंगे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन कैप्चर का एक ऑप्शन देता है। स्क्रीन कैप्चर से होता है क्या, आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी शो कर रहा है उसको ये कैप्चर कर लेगा, यानी उसका फोटो बना देगा। उसी तरह आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में दिख रहा कोई भी मेन्यू या स्क्रीन कहीं पर का भी आपको फोटो लेना हो तो उसके लिए आप स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि ये होम टैब के रिबन का फ़ोटो चाहिए और इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शंस क्या है या किसको क्या बोला जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्निपिंग टूल ओपन करना होगा। ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल ओपन होने के बाद ये आपके स्क्रीन को धुंधला कर देगा, क्योंकि ये अभी यहाँ से न्यू सेलेक्ट है। अगर आप बॉक्स रेक्टेंगल जैसा चाहें यहाँ से ले सकते हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल में ही रखता हूँ। फ्री फ्रॉम में होता है कि आप जहाँ से चाहें जैसा चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ, कॉर्नर पे आएँ, लेफ्ट क्लिक दाबे रखना है और इसको खींच लेना है आपको जिस एरिया का भी फोटो चाहिए। ये हो जाने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं या तो कॉपी करके डायरेक्ट वर्ड में ला सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने इसको कॉपी कर लिया, मिनिमाइज, और यहाँ आपको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है या तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, वो पिक्चर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। अब आप चाहे तो इसका नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट में आए, स्निपिंग टूल, ये सॉरी सेप्स में आएंगे और यहाँ से आप चाहे तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं या तो डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। चलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेता हूँ और यहाँ से जैसे मैंने लिख दिया ग्रुप, आप इसका चाहे तो साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के क्लास में पढ़ेंगे, ये मैं सिर्फ स्निपिंग टूल के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ से फिर से शेप्स में जाके एरो लगा सकते हैं इसके लिए कि ये ग्रुप है। देखिए इस तरह से, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग वर्ड के क्लास में पढ़ेंगे, ये सिर्फ स्निपिंग टूल के बारे में आपको बता रहे हैं अभी।
चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर आपको फिर से नया कैप्चर करना हो स्क्रीन, तो उसके लिए फिर आपको न्यू पे क्लिक करना होगा और जिसको भी आप कैप्चर करना चाहते हैं उसको लेफ्ट क्लिक दाबे रखना होगा और सेलेक्ट करना होगा, यानी ड्रैग करना होगा, खींचना होगा। देखिए बन गया। आप चाहे तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, टास्क बार सेव, ये पिक्चर आपका डेस्कटॉप पर सेव हो गया। ये था स्निपिंग टूल के बारे में। अगला ऑप्शन है मैग्नीफायर, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज, यहाँ आपको मिलेगा ईजी ऑफ एक्सेस के अंदर मैग्नीफायर। ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस ऑप्शन में पढ़ेंगे कि आप कैसे कीबोर्ड से माउस पॉइंटर को चला सकते हैं। ये माउस पॉइंटर आपका कीबोर्ड के थ्रू रन करेगा, तो वो हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। अभी हम लोग मैग्नीफायर को सीखते हैं। मैग्नीफायर को क्लिक किए, ये आपके स्क्रीन को मैग्नीफायर करेगा यानी जूम करेगा। जैसा देख रहे हैं अभी ये 200% में है, 200 से इसको हम लोग और बढ़ा लेते हैं, प्लस करते हैं। देखिए ये स्क्रीन आपका बड़ा बड़ा दिख रहा है टोटल। अब इसको हम छोटा करते हैं, 100% हो गया ये बाय डिफॉल्ट जैसा रहता है। चलिए इसको अब हम लोग क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसका बहुत फ़ायदा है, जैसे आप का कभी भी कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से इसका यूज कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे ओपन करने के लिए ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज, ईजी ऑफ एक्सेस के अंदर मिलेगा आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसा आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड आ चुका है। चलिए मैं इससे अब कुछ लिखता हूँ। अभी तो डेस्कटॉप पर कुछ लिखाएगा नहीं, इसके लिए को आपको टेक्स्ट एडिटर ओपन करना होगा, चाहे वर्डपैड हो, नोटपैड हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो। तो मैं यहाँ से वर्डपैड ही ओपन कर लेता हूँ। वर्डपैड जैसे कैप्स लॉक क्लिक किए, कैप्स लॉक को ये टोटल अभी आपको कैपिटल में दिखेगा। जैसे आपको शिफ्ट का यूज करना हो तो एक बार शिफ्ट दबाएं और फिर जो भी आपको सैम्बल चाहिए उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप यूज कर सकते हैं आसानी से, अगर आपका कभी भी कीबोर्ड खराब हो जाए, प्रॉब्लम दे दे तो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस, इसको अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अगला है आप अपने कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को कैसे चेक कीजिएगा, और हार्ड डिस्क के साथ साथ रैम को भी कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना होगा, ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज सिस्टम टूल्स, सिस्टम टूल्स के अंदर मिलेगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन को यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ कंपोनेंट्स के प्लस पे क्लिक करना है। कंपोनेंट में जितना भी ऑप्शंस होगा ये सब एक्सपेंड हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, खुल जाएगा। इसके बाद आपको आना है स्टोरेज के प्लस पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है डिस्क को, और यहाँ साइज में बता देगा आपको 931.51 GB, यानी ये आपका 1000 GB का हार्ड डिस्क इसमें लगा हुआ है। ये तो हो गया हार्ड डिस्क चेक करने के लिए। अगला है रैम कैसे चेक करेंगे। रैम चेक करने के लिए आपको स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, और यहाँ कंट्रोल पैनल में आपको जाना होगा सिस्टम में। चलिए हम सिस्टम को क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपको मिलेगा रैम का साइज, देखिए इंस्टॉल मेमोरी रैम 4 GB, ये 4 GB का रैम इसमें लगा हुआ है और यूज करने दे रहा है ये 3.41 GB, यानी कोई भी मेमोरी हो आपका, चाहे हार्ड डिस्क हो, रैम हो, या मेमोरी कार्ड हो मोबाइल का, या पेन ड्राइव हो, ये कभी भी आपको फुल स्पेस यूज करने के लिए नहीं देगा, वो अपने सुरक्षा के लिए बचा के रखता है। अगला आपका, अब तो सिस्टम यानी रैम चेक करने के लिए कंट्रोल पैनल में यहाँ से भी आ सकते हैं। दूसरा तरीका है कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको रैम और प्रोसेसर यानी CPU इसमें Core i3 लगा हुआ है, और सिस्टम टाइप यानी सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो 32 बिट का है, 32 बिट, 64 बिट, अभी मैक्सिमम 86 बिट का सॉफ्टवेयर आता है। जितना ऑप्शंस अभी आप लोगों ने
ऑल प्रोग्राम से ओपन करने के लिए सीखा। इसको आप लोग सर्च से भी ओपन कर सकते हैं, यानी ऑल प्रोग्राम्स में जितना भी ऑप्शंस है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो सब आप सर्च से भी निकाल सकते हैं सर्च करके। जैसे अगर आपको कैलकुलेटर ओपन करना हो तो CALC, ये आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। यदि आपको रन से ओपन करना हो तो स्टार्ट रन, और रन में पूरा कैलकुलेटर का स्पेलिंग नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है आपको CALC और इसको ओके कर देना है, ये आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अगला है स्निपिंग टूल, SNIPP, देखिए आ गया स्निपिंग टूल। इसको कैंसिल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तीसरा है आपका मैग्नीफायर, ये आपका मैग्नीफायर आ चुका है। तो सर्च करके आप जो चाहे वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं इस तरह, जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखिए फर्स्ट में आ चुका है आपका स्टार्ट। आप चाहें तो जो भी प्रोग्राम आपको बार बार ओपन करना पड़ रहा है वो आप टास्क बार में पिन अप करके रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको स्निपिंग टूल बार बार ओपन करना पड़ रहा है, तो आपको बार बार स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और यहाँ जाके फिर आपको स्निपिंग टूल को ओपन करना होगा। तो हम लोग इसको टास्क बार में पिन अप कर सकते हैं। पिन अप करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो भी ऑप्शन है वो टास्क बार में शो करना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उसके लिए पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद ये आपको टास्क बार में शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे, यानी जो भी आपका प्रोग्राम है उस पर राइट क्लिक करके पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार करना होगा, यानी ये प्रोग्राम आपका टास्क बार में पिनअप हो जाएगा, पिन हो जाएगा। पिन कर दिए, अब देखिए इसको क्लोज भी कर देते तो भी आपका ये टास्क बार में शो करेगा ही। नेक्स्ट, जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्लिक किए, राइट क्लिक, पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, अब इसको क्लोज कर देंगे तो भी ये टास्क बार में शो करेगा। जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, राइट क्लिक, ये होता है अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी मेन्यू आया वो पीछे चल गया, यानी कीबोर्ड के पीछे चल गया। तो हम लोग कीबोर्ड को पहले यहाँ से खिसका लेंगे थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद राइट क्लिक, पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, अब देखिए इसको क्लोज कर देते, ये सारा यहाँ आपको शो करेगा, हमेशा दिखेगा। अगर आप चाहते इसको हटा दें तो फिर से इस पर राइट क्लिक करके आपको अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार करना होगा, यानी टास्क बार से इस प्रोग्राम को अनपिन कर देगा, हटा देगा। चलिए हटा दिए। आगे अभी ढेर सारा ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है जो मैं आपको अभी इसी क्लास में बता देता हूँ, ये ऑप्शन है रन का, यानी अगर आपके कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में अगर रन नहीं दिखे तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट को क्लिक करना होगा, ये शट डाउन पर राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, अगर लेफ्ट क्लिक आप करते हैं तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज, और यहाँ आपको मिलेगा स्टार्ट मेन्यू का कस्टमाइज, कस्टमाइज को क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ आपको मिलेगा रन कमांड, इसको देखिए अभी चेक है, हम इसको अनचेक कर देते हैं, ओके अप्लाई। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड नहीं आ रहा है। अगर आपको फिर से लाना हो तो सेम प्रोसेस, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ टास्क बार इन स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज पे आ जाइएगा, उसके बाद कस्टमाइज में जाना है, फिर डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन करके नीचे आके आपको रन कमांड में जाना है, ओके अप्लाई, ओके। और ये पावर बटन एक्शन है, ये मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, आप चाहे तो मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, ओके। ये रन कमांड आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो हमारे वीडियो में तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड ढेरे सारे टिप्स और ट्रिक सीखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए।